फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं मुदस्सर, फिर से एक बार आपके साथ। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूं हेरिटेज फेस्टिवल, जो कि अलवदबा में है। गाइस, आपको पता होगा हेरिटेज फेस्टिवल हर साल में लगता है, और ये साल में भी 18 नवंबर 2021 को ये स्टार्ट हुआ है अलवदबा में। हम उधर ही जा रहे हैं। लास्ट ईयर का भी आपको वीडियो मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। अगर आपको लास्ट ईयर का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके प्यार और सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। तो लास्ट ईयर में भी मैं हेरिटेज फेस्टिवल गया था, तो इस बार चल के देखते हैं क्या नया किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। हेरिटेज फेस्टिवल जाने के लिए आपको अबू धाबी बस टर्मिनल से फ्री बस सर्विस मिलेगी। जो हेरिटेज फेस्टिवल है, जो ये अलवदबा में है, तकरीबन अबू धाबी से 51 किलोमीटर की दूरी पर है सिटी से। लास्ट ईयर का भी जो मेरा हेरिटेज फेस्टिवल का वीडियो था वो भी अच्छा चला, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलते रहेगा आपका। मैं अभी जस्ट अबू धाबी बस टर्मिनल पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मेरे को अलवदबा जाने के लिए भी बस मिलेंगी। ये देखो गाइस, ये बस स्टॉप है, यहाँ से आपको फ्री बस सर्विस मिलेगी अलवदबा जाने के लिए। तो गाइस, ये है बस जो अबू धाबी फेस्टिवल तक फ्री बस सर्विस है। तो मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ। अभी यहाँ से बस यहाँ से निकलेंगे, हर 15 मिनट के बाद आपको यहाँ से बस मिलेगी, जो कि हेरिटेज फेस्टिवल में आपको छोड़ेंगे। गाइस, अभी टाइम हुआ है 4:25, यहाँ से 4:30 बस यहाँ से छूटेंगी। अबू धाबी से 4:30 बस में बैठा, और मैं यहाँ पर अलवदबा फेस्टिवल पहुँच रहा हूँ 6:00। तो इतना टाइम लगता है आने के लिए। गाइस, एक गेट है एंट्रेंस, अभी हमने यहाँ से टिकट निकाले। अंदर जाने के लिए 5 धर्म का टिकट है और ग्रीन पास चाहिए, तो अब ये गेट से हम अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, एक गेट है, एक गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पर लेडीज़ लाइन है, यहाँ पर जेंट्स की लाइन है। यहाँ पर अंदर आने के बाद पूरा स्कैन होता है, पूरा अपनी बैग वगैरह चेक होती है। यहाँ से अंदर आने के बाद ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए। यहाँ पर छोटा सा क्लिनिक भी है, गुर्जर क्लिनिक भी है। ये देखो गाइस, लास्ट टाइम भी ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ था, हम यही एंट्रेंस से भी अंदर आए थे, लेकिन लाइटिंग इतनी नहीं थी, थोड़ी कम थी। इस बार थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा दिख रही है, और सामने जो टावर दिख रहा है वो भी बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और फ्राइडे की वजह से पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे टाइम पर पता नहीं पब्लिक रहती है क्या नहीं। लेकिन मैं जितने बार भी आया, लास्ट टाइम भी आया था फ्राइडे को ही आया था, पब्लिक बहुत थी, और इस बार भी पब्लिक बहुत है।
आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, अंदर चल के देखते हैं। गाइस ये यूएई का ट्रेडिशनल फूड है, बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। स्वीट है ये, स्वीट बॉल करके। ये यहाँ पर शॉपिंग के लिए कुछ शॉप है अंदर, मतलब सेम ग्लोबल विलेज के जैसा ही है। आप देख सकते हैं पूरे अलग अलग शॉप है यहाँ पर, कपड़ों की, स्वीट की, मतलब जो भी कंट्री के जो फेमस फूड है या कपड़े है वो इधर यहाँ पर शो किए हुए हैं। आपको अगर ख़रीदना है तो आप ख़रीद भी सकते हो यहाँ से। ये देख रहे हैं लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। Thank you.
यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन भी है। मैं आपको बैक कैमरे से एक बार दिखा था, ये देख रहे हैं आप पीछे की तरफ, ये पूरा गार्डन है। सब फैमिलीज वगैरह उधर आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। चला देखो, पहले टाइम में ऐसे शॉप हुआ करते थे। एरिया में देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है बैठने के लिए, पूरी ग्रास है नीचे और ऊपर पूरी लाइटिंग। ये शायद मिरेकल गार्डन जैसा थोड़ा लुक दिया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और पूरे साइड से वॉकवे है और अंदर की तरफ ऐसा बैठने के लिए ग्रास एरिया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बेंचेस वगैरह है यहाँ पर।